यू करेंगे डूवा इन इलर का और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, कितने दिन तक इसका यूज करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ क्या इसकी कभी आदत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो फुल रिव्यू करेंगे डाइवा इन इलर का। देखिए डाइवा इन इलर जो है ये थोड़ा महंगा आता है, इसकी जो प्राइस है ये 700 रुपये के करीब करीब आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो डोज आती है, जो टोटल डोज आती है वो है 200 डोज, 200 डोज इसके अंदर आती है टोटल, और साथ में इसके डोज काउंटर भी दे रखा है जो कि बहुत बढ़िया है, आपको हेल्प करता है, जिसे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितनी कंज्यूम कर ली है और किस कितनी और बाकी है इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है दोस्तों इसके अंदर। सिप्ला कंपनी दोस्तों इसे बनाती है, हर केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से, डॉक्टर की पर्ची से ही लिया जाता है, सेल्फ यूज इसे मत कीजिएगा। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, तो देखिए ये COPD की प्रॉब्लम में काम आती है। COPD का कहने का मतलब है अगर लंग्स में कुछ ब्लॉकेज आ गई है उसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसमें यह काम आता है। अस्थमा की प्रॉब्लम में काम आता है, अस्थमा में जैसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, छाती के अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है, तह तह की आवाज़ आती है, खुजली चलती है छाती के अंदर या गले में खुजली चलती है, इसमें भी ये काम आता है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम और COPD प्रॉब्लम में काम आता है। बात करें किस तरीके से काम करता है, तो देखिए ये क्या करता है कि जिन मांसपेशियों के अंदर से वायु का आदान प्रदान हो रहा है उन मांसपेशियों में कई बार क्या कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन से स्वेलिंग आ जाती है यानी सूजन आ जाता है। तो सूजन आने से जो मांसपेशियां वो चिपक जाती है जिससे आपकी ब्लॉकेज होने लगती है। तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए यानी मांसपेशियों को रिलैक्स करके ये आपकी ब्रीथिंग को इजी बनाता है जिससे सांस लेने में आसानी हो। तो कहने का मतलब है आपकी सांस जो ब्रीथिंग है उसको काफ़ी आसान कर देता है, इसलिए ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से काम करता है। डोज की बात करें तो कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसी टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा रोटा हिलर की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि कैप्सूल के लिए पड़ती है, बस डायरेक्ट इसे शेक किया और आप सिर्फ इसे यूज़ कीजिए, बस सिंपल सा तरीका इसे यूज़ करने का। साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे कि मुंह सूख सकता है लेने के बाद, या फिर छाले हो सकते हैं मुंह के अंदर, आपका लाइट सरदर्द हो सकता है, पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये कभी कभार देख सकते हैं, घबराने कोई बात नहीं है। कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखे तो डॉक्टर से पर बातचीत कर लीजिए। कुछ सावधानी है दोस्तों इसके, जैसे कि एक बार आप अगर प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उस टाइम इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों ये था फुल रिव्यू डूवा इन इलर का, और कौन सी मेडिसिन भी चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा। वीडियो ऊपर देखने के लिए बहुत